हाय फ्रेंड्स, आपका अपना परिवार मस्त क्लासेस में मेरे तरफ से तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है fx बराबर mod x क्यूब सो दैट f dash x एग्जिस्ट, है ना दोस्तों। तो देखिए, यदि x छोटा हो 0 से, तो जब x का मान छोटा होता है 0 से, तो fx का जो मान होगा वो नेगेटिव में निकलता है मोड से, तो माइनस एक्स क्यूब, है ना। इसका अवकलन करते हैं, दो बार करना है। पहली बार जब अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स, तो माइनस साइड में डी एक्स क्यूब बटा में डी एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल आ गया कितना, माइनस थ्री पावर एक की कमी एक्स स्क्वायर। पुनः अवकलन, तो एफ डबल डैश एक्स पुनः करेंगे तो माइनस तीन डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स, तो माइनस तीन गुना दो x, तो आ गया माइनस छ एक्स। ये f dash x आ गया ना, तब जब ये नेगेटिव में होगा। दूसरा कंडीशन है कि यदि x जो है बड़ा हो जीरो से, है ना, तो f x बराबर जो होगा, यहाँ मॉड जो है माइनस में निकल रहा था, यहाँ प्लस में निकलेगा, है ना। अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, एक बार अवकलन होता है तो उसका डैश होता है f dash x, तो डी एक्स क्यूब बटा में डी एक्स, तो f dash x इक्वल टू आ गया थ्री एक्स स्क्वायर, है ना। पुनः अवकलन को डबल डैश से सूचित करते हैं, तो f डबल डैश x तीन साइड में dx स्क्वायर बटा में dx, तो f डैश x डबल डैश x पावर साइड में पावर की कमी तीन दूनी की 6x, तो f डैश x का जो मान है डबल डैश x का वो दो को आया, एक माइनस 6x आया कब, जब x छोटा हो 0 से, और एक 6x आया जब x बड़ा हो 0 से, है ना दोस्तों। तो ये आखिर कुछ ना कुछ तो मान आ रहा है, तो इसलिए लिख देंगे therefore f double dash x exist, यही पूछ रहा था exist होगा कि नहीं, अतः मान अस्तित्व में है, एक बताना था, है ना। इसका सोल्यूशन हो गया, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, जो नए सवाल है उसको प्रूफ नेट करना, d by dx equal to x के पावर n बराबर n into x के पावर n minus 1 According to mathematical induction, गणितीय आगमन सिद्धांत से बनाना। मैथमेटिकल इंडक्शन को हिंदी में कहते हैं गणितीय इंडक्शन, का मतलब आगमन विधि। इसको तीन तरीके से पहले तीन बार बनाना पड़ता है। पहला इक्वेशंस को लिख लेंगे px के रूप में, तो px बराबर इस तरह से हो गया, क्या क्वेश्चन, हाँ px बराबर ही लिखिए d by dx, x के पावर n है और इधर है पावर साइड में पावर की कमी, है ना। पहली बार रखते हैं if को मतलब यदि होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए है। यदि n बराबर रखते हैं 1, तो d by dx यहाँ हो जाएगा x के पावर 1 n into x के पावर 1 minus 1, तो यहाँ पर 1 का मतलब x से रह जाएगा, dx कट के 1 हो जाएगा, और 1 into x के पावर 0, और किसी चीज का पावर 0 तो उसका मान क्या होता है 1। तो इसलिए लिखेंगे जो क्वेश्चन है px n बराबर 1 के लिए सत्य है ना, इट इज रियल फॉर 1, n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब इसको सिद्ध करेंगे, अब n बराबर m पर सत्य साबित करेंगे, यानी कि दोस्तों कि अब जहां जहां क्वेश्चंस में n है वहां हम क्या लगाते हैं m, तो d by dx यहां x के पावर n है ना, तो x के पावर m कर देंगे, यहां भी n था तो m हो गया, और into x के पावर m माइनस 1। यदि px n बराबर m के लिए सत्य है, यानी कि ये सत्य है m, तो m बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, है ना दोस्तों। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में जहां जहां x है m है वहां m प्लस 1 लगाएंगे, तो d by dx x था, यहां m था तो m प्लस 1 कर दिए, और यहां भी देखिए m था ना, तो m प्लस 1 हो गया, और यहाँ x m प्लस 1 माइनस 1, m की जगह पर m प्लस 1 पुट कर दिया और माइनस 1, तो d by dx x के पावर m प्लस 1 m प्लस 1 इंटू x के पावर m, तो LHS यहाँ से उठाइए, तो LHS में लिखा है d by dx x के पावर m प्लस 1, इस LHS से आपके साथ जाना चाहिए ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं d by dx x के पावर m इंटू x। आप लोग जानते हैं कि जब बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ता है, इसका m इसका 1 है ना, e into v के अनुसार आगे डिफरेंस x साइड में d by dx x के पावर m, है ना, फिर प्लस x के पावर m साइड में dx by
dx। तो नियम कहता है पावर साइड में, तो पावर साइड में हो गया पावर की कमी m माइनस वन, है ना दोस्तों, अब प्लस x m, यहाँ dx dx कट गया। अब इन दोनों में आगे देखिए ऐसा लिख सकते हैं, x m, x के पावर m और बटा में x, इसका पावर वन है, इसका माइनस जो रहता है पावर उसको बटा में ला दिया गया x के पावर m, क्योंकि पावर वन जो है जब दो चीज बराबर हो और उसका बेस बराबर हो और भाग में हो तो पावर घटता है, तो घटा हुआ था तो भाग में लिख लिया, x के पावर वन से x कट गया। अब इन दोनों ऐसे हो गए, x के पावर m, x के पावर m, अब इन दोनों में x के पावर m कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा m प्लस वन। देखिए आरएचएस में तो यही लिखा था ना, ये एलएचएस फंक्शन था और ये आरएचएस, तो इसलिए पीए जो क्वेश्चन है एन के सभी मानों के लिए सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 20 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स 20 जो क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, ये फॉर्मूला है ना त्रिकोणमितीय अनुपात का, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे 11 क्लास में। अब कह रहा है इस क्वेश्चन का अवकलन कीजिए, अवकलन करते हो इसका कॉस का फॉर्मूला ला दीजिए, किसका कॉस के रूप में ला देना है ना। तो देखिए इसमें कोई एक टर्म निश्चित नहीं है ना, तो ए भी है बी भी है, अलग अलग सब में है एंगल, इसलिए हम एक और अलग मान के अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए डी बाई डी टी साइन ए प्लस बी, पहली बार में सब लिख लेते हैं ना, डी बाई डी टी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस डी बाई डी टी कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। अब देखिए अगला लाइन में ऐसे इसको लिखना होगा ना, डी बाई डी साइन ए प्लस बी है, एंगल में ए प्लस बी लिखना होगा दोस्तों, हमने इसका फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी लिख लिया, और फिर इंटू डी ए प्लस बी बटा में डी टी, इधर का हो गया बराबर कुछ साइड दो चीज इंटू में है ना, तो पहले देखिए कॉस बी साइड में हो गया, ये कॉस बी साइड में हो गया, डी साइन ए, ए है तो ए लिखना होगा डी ए आई इंटू डी ए बाई डी टी, फिर प्लस अब साइन ए का हुआ है तो साइन ए साइड में, कॉस बी का होगा तो डी कॉस बी बटा में डी बी I into dB by dt, ये सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक का होगा। अब बीच में ये प्लस हो गया बड़ा वाला, ये वाला प्लस को मैंने बड़ा दिखा था, अब इसका करेंगे तो यहां से साइन भी साइड में होगा, इसका करेंगे तो d cos a बटा में लिखना होगा d a into d a बटा dt, अब cos a साइड में हो जाएगा cos a, अब प्लस cos a साइड में हो गया, अब साइन का होगा तो d sin b है ना, तो नीचे dB लिखना होगा और फिर इंटू डी बी वाई पहले से यहाँ क्या है कॉस बी डी ए बाई डी टी, ये वाला प्लस कॉस का फॉर्मूला माइनस में होता है तो यहाँ माइनस लग जाएगा आगे, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी और ये वाला गया डी बी बाई डी टी, ये बीच वाला ये प्लस है, अब यहाँ ये कॉस का फॉर्मूला क्या होता है माइनस, तो यहाँ फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी और यहाँ क्या है डी ए बाई डी टी, और ये वाला प्लस कॉस ए पहले से साइन का कॉस होता है तो कॉस ए इंटू कॉस बी डी बी बाई डी टी, आगे की ओर देखिए कॉस ए प्लस बी क्वेश्चन के अंदर डी ए प्लस डी ए डी टी प्लस डी बी बाई डी टी क्वेश्चन बंद। अब थोड़ा गौर से देखिए दोस्तों, है ना, ये वाला फंक्शन जो है ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना, सेम मतलब किसका आगे वाला फंक्शन बराबर है कॉस ए कॉस बी, इसमें भी कॉस ए कॉस बी है, कॉमन ले लेते हैं तो कॉस ए कॉस बी को कॉमन ले लिया, जब कॉस ए कॉस बी कॉमन लिया तो इसके कॉस्ट के अंदर में बच गए डी ए बाई डी टी और यहाँ प्लस है तो प्लस, इसमें बच गए डी बी बाई डी टी, समझ में आया ना, इन दोनों को कॉमन ले लिया।
इसमें देखिए इसमें भी कॉमन है ना, माइनस साइन है साइन भी है, इसमें भी माइनस, तो माइनस में कॉमन ले लिया, माइनस साइन है इंटू साइन भी कॉमन ले लिया। जब माइनस साइन साइन भी कॉमन लिया तो यहाँ बच गया डी ए बाई डी टी, और यहाँ बीच में प्लस लिखना होगा, तब ना प्लस माइनस माइनस आएगा डी बी बाई डी टी। क्वेश्चन वन आगे की ओर देखिए, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं। कॉस ए प्लस बी डी ए बटा डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। क्वेश्चन वन, अब थोड़ा गौर से देखिए कि इसमें भी डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी फंक्शन आया है, और इसमें भी डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी है, इनको कॉमन ले लीजिए। तो ले लिया डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। क्वेश्चन वन, यहाँ क्या बचा कॉस ए कॉस बी, और यहाँ क्या बचा साइन ए साइन बी। अब इन दोनों में मैंने एक बात, मैं बार बार बोलता हूँ कि बराबर की इधर उधर एक ही साइन में कटता है, तो डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, इधर का डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी कट गया, तो हमारा क्या आ गया कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये जो आया फंक्शन, ये कॉस का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। और जब क्वेश्चन हमने शुरुआत में पढ़ा था उसमें भी यही कहा था कि आप जो क्वेश्चन दिया उसका अवकलन करते cos a के रूप में, cos a प्लस बी का सूत्र के रूप में लिखना था, cos a प्लस बी का सूत्र, तो आ गया है ना दोस्तों। कैसा क्वेश्चन का सोल्यूशन लगा कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का समापन करेंगे, ठीक है, थैंक्स।